चटनी सांभर है, चटनी सांभर हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भारत का खाना। आज हम आए हैं गोरेगांव वेस्ट। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस एक साइकिल इडली वाला है जो गोरेगांव वेस्ट में भामोनगर पे है। मैं इसके पास कम से कम 10-12 साल या फिर 15 साल से मैं आ रहा हूँ, और जब भी मेरा यहाँ पे कभी काम पड़ता था सुबह सुबह का तो मैं यहाँ पर आता था और ये इडली में जरूर खाता था, और वड़ा और उसके साथ जो मिलने वाला जो डोसा है एकदम ऑसम है। और चटनी के तो कहने ही क्या, सैटरडे संडे वाले टाइम तो यहाँ पे इतना रश रहता है कुछ पूछो मत। पर यहाँ पे मिलने वाला जो वड़ा होता है बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होता है। इवन इसके ऊपर वो सांभर चटनी भी डाल देना फिर भी उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो बनी रहती है। और खासियत ये है इसकी इडली वड़ा और डोसे की और चटनी की कि ये अपने घर पे ही बनाता है, और इसकी जो फ्रेशनेस है आपको खा के ही मालूम पड़ेगी कि एकदम फ्रेश। इवन ये होता है कि जब आप इसके पास आएंगे अगर आप 10 मिनट रह गए तो उसका स्टॉक खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद इसी के घर से बनकर ही वो स्टॉक दोबारा रिफिल होता है, और पब्लिक उसके लिए खड़े होकर वेट करती है, इंतजार करती है कब इसका रिफिल हो तब हम उसको पैक करा के ले जाए या फिर हम इसको वहां पर खड़े खड़े एंजॉय करें खा के। और ये सुबह 7 और 7:30 के बीच में आ जाते हैं, और कब इनका स्टॉक खत्म हो जाए 10-11 बजे तक या फिर 12 बजे तक आप कुछ कह नहीं सकते। ये सिर्फ साइकिल पे कई सालों से डिलीशियस इडली और वड़े यहाँ पे ये बेच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको वहाँ पे कि इडली वड़ा कैसे मिल रहा है। तो ये है अपने साइकिल इडली वाले अन्ना जो आप देख सकते हैं, और ये एक सोसाइटी के बाहर खड़े होते हैं गोरेगांव वेस्ट में, और आप देख सकते हैं कितने रश हो रहा है इनके पास। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो है रश जो है इंक्रीज होता जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे लोग खा के खड़े होके इंजॉय भी करते हैं और अपने लिए पैक भी करा लेते हैं। ये हैं वड़े, आप देख सकते हैं साइज भी काफ़ी अच्छा है। ये इनका सामान है और ये है इनकी इडली जो आप देख सकते हैं भगवने में रखी हुई है ढक के, और यहाँ पे इनकी चटनी की देखिए गाड़ी गाड़ी चटनी यहाँ पे सर्व कर रहे हैं और पैकिंग भी करते हैं फटाफट। और मोस्टली यहाँ पे जो भामोनगर गोरेगांव वेस्ट में जो भी लोग रहते हैं वो मोस्टली यहाँ पर आके अपना सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं। सैटरडे संडे तो मस्ट आते ही आते हैं, और बाकी दिनों में ये लोग पैक करा के भी ले जाते हैं अपने ऑफिस में या जहाँ पर भी वो लोग वर्क करते हैं वहाँ पे ये पैक करा के ले जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है गोरेगांव वेस्ट में ये साइकिल इडली वाले, और इनका जो वड़ा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये देखिए और वड़े आ गए हैं इनके पास रिफिल करने के लिए, और जैसे जैसे वड़े खत्म होते जाते हैं ये फटाफट इसको रिफिल करते हैं। आप टाइम से जरूर आ जाइए क्योंकि ये भी स्टॉक खत्म हो जाता है 11-12 बजे तक। और ये देखिए इनका ये डोसा है, उसके ऊपर इन्होंने 2 बड़े रखे और चटनी डाली गाढ़ी गाढ़ी सांभर, इस तरह से ये इसको सर्व करते, लोग बहुत पसंद करते हैं इनको, पैकिंग करा के भी ले जाते हैं। आप देख सकते हैं ये बड़े पैक हो रहे हैं और साथ में चटनी और सांभर दोनों चीज़ पैक हो रही है फटाफट। आप देख रहे हैं एकदम गोली की रफ्तार से अपना वर्क करते हैं, पैकिंग करते हैं और सर्व करते हैं। बहुत ही ज़्यादा देखने भी मज़ा आता है और खाने का तो आप क्या ही कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। एक्चुअली मैं भी वेट कर रहा हूँ मेरी भी बारी आने का, क्योंकि पहले से लोग जो ऑर्डर दिए हुए हैं उनको ये फटाफट दे रहे हैं, उसके बाद ही मेरा नंबर आएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये किस तरह से सर्व कर रहा है। ये है असली साइकिल वाली इडली और वड़ा और डोसा। ये देखिए मैंने इडली फिर से रिफ़िल करी, आपको मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाई थी भगवने में अंदर थी वो ख़त्म हो गई है, मैंने दोबारा से रिफ़िल करी है, और आप देख सकते हैं कितनी फटाफट तरीके से लोग इसको ले जा रहे हैं और उसको इंजॉय कर रहे हैं यहीं पर ही खड़े होकर खा के, और पैकिंग भी चल रही है। ये देखिए कितनी गाढ़ी चटनी है कोकोनट की इनकी, और इसको भी डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी मिला के ना उसको हल्का हल्का डाइल्यूट करते हैं। देखिए चटनी भी एकदम मस्त गाढ़ी चटनी, बहुत ही ज़्यादा लजीज है यहाँ की चटनी। ये देखिए थोड़ा सा पानी मिला के उसे डाइल्यूट करते हैं, फिर उसके बाद भी इसको ये सर्व कर पाते हैं। खाने के लिए हाँ, खाने के लिए क्या दो 4 वड़ा कर दो 2 इडली। तो फाइनली अपना भी नंबर आ गया है, तो हमारे लिए भी सर्व हो रही है वड़े और इडली। संजू 50 रुपये ले। तो लीजिए हमारी जो इडली है और वड़े हैं जो आ चुके हैं आप देख सकते हैं, मैं कार में ले आया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश हो रहा है वहाँ, और आज जो रश है वो कम है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, तो सब लोग वहाँ पे गए हुए हैं पूरी की पूरी सोसाइटी वाले। फिर इसके बाद मैं एक डोसा लूँगा आपको, मैं दिखाऊंगा यहाँ का जो डोसा है एकदम डिफरेंट होता है, ये लोग बनाकर लाते हैं रेडीमेड और यहाँ पर चटनी के साथ उसको सर्व करा जाता है। तो चलिए मैं आपको पहले ये खा के बताता हूँ वड़ा, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है और चटनी आपने देखी कितनी गाढ़ी होती है, तो मैं आपको ये खा के दिखाता हूँ। चटनी जो है ना इसके ऊपर लगी हुई गिर भी नहीं रही, इतनी गाढ़ी है वड़ा, एक नंबर। और उसका सांभर जो है ना वो भी एकदम बहुत टेस्टी है, क्या कहने, मजा आ गया।
बहुत ज्यादा यम है और क्रिस्पी है। मैं इतना सांभर और चटनी डालने के बाद भी क्रिस्पी है, अभी सोचिए कितना बढ़िया क्रिस्पी है, बड़ा है। क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसकी चटनी का जो कमाल है ना, बहुत ज़्यादा है। ये इडली देखिए कितनी सॉफ्ट है, मैं उठाते ही टूट जा रही है, देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इडली। वो चटनी के साथ खाओ तो कहने ही क्या, एक नंबर, प्रॉपर वाला एक नंबर। अभी मेरा इडली और जो वड़ा है वो खत्म हो गया है, मैं आपको अब इसका डोसा दिखाता हूँ। डोसा भी बड़ा यूनिक है, सिंपल प्लेन डोसा ही लोग बना के लाते हैं और उसके बाद चटनी डाल के देते हैं ना, अरे वाह क्या मजा आ जाता। तो हम आ गए हैं डोसा लेने के लिए, तो हमको वेट करना पड़ेगा क्योंकि काफी सारे ऑर्डर हैं, उसके बाद ही हमें डोसा देगा। बोलो बोलो सामर जी भाई, लो 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 मिंदोड़ा के लिए मिंदोड़ा मिक्स करेगा, मिक्स हम लोग का खाने का ऑर्डर है ना भाई, दो मिनट दे रहा हूँ। तो अपना ये डोसा भी आ गया और साथ में आप देख सकते हैं इसके अंदर दो वड़े पड़े हुए हैं, एकदम मस्त खुशबू आ रही है, एकदम डिलीशियस है। आपने देखा अभी कितनी भीड़ है, लोग डोसा भी बहुत ही ज्यादा चाव से खाते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे फ्रेश आता है, ये जो फटाफट इसका जो स्टॉक है उसको रिफिल करते रहते हैं। अब आपको मैं डोसा खा के बताता हूँ, ये देखिए कितना सॉफ्ट डोसा है, इसको ये लोग यहाँ पे डोसा बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है। ये अपने लगाया चटनी के साथ, अब चटनी देखिए कितनी गाढ़ी चटनी देता है, ये देखिए। और अब आपको ये डोसा भी खा के बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी डोसा है, मस्ट ट्राई कीजिए चटनी के साथ, तो आग लगा देता आग, बोले तो स्वाद में जबरदस्त। अब मैं इसको एंजॉय करता हूँ, मिलता हूँ उसके बाद। अन्ना वड़ा खत्म, अरे दो मिनट। वड़ा आपका कितने रुपए प्लेट है? वड़ा कितने रुपए प्लेट है? 25 रुपए। और इडली? 25 रुपए। कितना पीस आता है उसमें? चार। और डोसा कितने का है? डोसा 30 रुपए का है, दो आएगा वही। और यहाँ की जो लोकेशन आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, गूगल की लोकेशन होगी, तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिए। देखिए ये सामने जो आपको दिख रही है, ये है हम अपना गोरेगांव वेस्ट लिंक रोड, और ये भांगुनगर के बीच का सोसाइटी है, और SVC बैंक जो है इसके जस्ट सामने ही यहाँ पर ये अन्ना यहाँ पर खड़े होते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी काफ़ी रश है, और जो टाइम हो रहा है अभी 11:08।